तो दोस्तों ज्ञान देने का टाइम आ चुका है। बेसिकली आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं या जो ऑलरेडी नॉर्मल एडिटिंग कर रहे हैं उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। जिसने आज तक वीडियो एडिटिंग नहीं किया उसके लिए तो भाई बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन ये 10-15 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी भी टाइप की वीडियो की एडिटिंग कर सकता हूँ, वो भी बहुत ही ईजिली। कि कैसे मल्टी टेक्स्ट को ऐड करते हैं, कैसे म्यूजिक को ऐड करते हैं, कैसे कट करते हैं, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कहाँ से फाइल उठाते हैं और वीडियो को रेंडर करना, ये काफी कमाल पार्ट होता है कि हमको पता नहीं होता स्टार्टिंग में किस स्टार्टिंग पे उसको रेंडर कराना चाहिए ताकि जो आउटपुट हो वो सबसे अच्छा निकले, जो क्वालिटी हो वो सबसे बेहतरीन हो और जो साइज हो वो कम से कम हो। तो इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इसी के साथ बेल आइकन को कर दो प्रेस। तो एज यूजुअल लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली हम जिस एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो है वंडरशेयर फिल्मोरा 9.5। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है फिल्मोरा का और इससे इजी और इससे फास्ट एडिटिंग आप किसी भी विंडोज के सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। इवन आप मैकबुक में भी एडिटिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफिकल्ट होता है एडिटिंग करना, लेकिन ये सबसे बेस्ट और जो लर्नर हैं जो अभी भी सीख रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, अगर आपके लैपटॉप में ऑलरेडी डाउनलोडेड नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो जाकर और वहीं से आप इसका प्रीमियम वर्जन खरीद सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको प्रीमियम वर्जन नहीं खरीदना तो आप इसको क्रैक भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो चाहिए उसका तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको वो भी करके दे दूंगा। तो यहां पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे सामने इसका जो टाइमलाइन खुल के आ चुका है, तो सबसे पहले हम यहां पे फाइल पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो कौन से एस्पेक्ट रेशियो पे बनेगा। तो बेसिकली ये जो वाइड स्क्रीन वाला है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वहां पे हम करने वाले हैं, क्योंकि YouTube के लिए सबसे बेस्ट होता है और सबसे ज्यादा लोग इसी को यूज करते हैं। बाद में उसके अलावा आपको Instagram वगैरह स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन हम बेसिकली इसके लिए सीखेंगे क्योंकि हम YouTube के लिए बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये अपना पूरा इंटरफेस है और यहाँ पे ये जो एरिया है वो है मीडिया के लिए, मीडिया लाइब्रेरी के लिए। जो भी हम चीज़ इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, हम यहाँ से जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी हम वीडियो में एडिट करेंगे वो जितना सामान होगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद ये जो जगह है वो है प्रीव्यू स्क्रीन, जो भी हम एडिटिंग करेंगे जो एडिटिंग के दौरान हमको इसी स्क्रीन पे दिखने वाला है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे प्ले पॉज के, स्टॉप के, तो ये सारे सीन है और यहाँ से हम स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, फुल स्क्रीन पे भी हम इसको कर सकते हैं यहाँ से। और ये जो है वो है मेन पार्ट, ये है टाइमलाइन जहाँ पे हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो सारी फाइल्स यहीं पे आके रहने वाली हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग वाला हो गया है ये वीडियो के लिए है, ये ऑडियो के लिए है, उसके बाद हमको टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पे आता जाएगा। तो चलो थ्योरी बहुत हो गई, यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं और फाइल को इम्पोर्ट करते हैं। हम यहाँ से भी फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे खुद को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। जो आपके लैपटॉप का वेबकैम है वहाँ से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, पीसी स्क्रीन से रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड वॉइस ओवर कर सकते हो, लेकिन चूंकि ऑलरेडी हमारे पास कैमरा से वीडियो शूट किया हुआ है तो हम वही फाइल्स यहाँ पे लाके लगाएंगे। तो ये कुछ फाइल्स हैं जो हमें यहाँ पे एडिट करनी है, तो इनको हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद देखिए ये फाइल्स यहाँ पे आ गए, उसके बाद 2-3 फाइल्स और हैं, मैं सारी फाइल्स को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स आ चुकी हैं जिनको हमको एक वीडियो में मर्ज करके डालना है, उन पे एक वीडियो बनाना है। तो हम किसी भी फाइल को नीचे लाएंगे एंड ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जिस क्वालिटी पे तुम्हारी फाइल बनी हुई है वो क्या यही क्वालिटी है दूसरी है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारी मेन टाइमलाइन पे ये शो करने लगा है। तो ये तो ऊपर का जो है वो तो है मेन वीडियो, और नीचे का जो ये आपको ग्राफ दिख रहा है ये है ऑडियोग्राफ, कि जहाँ जहाँ हमने बोला है वो तो है ऑडियोग्राफ और उसके अलावा हमने जो नहीं बोला है वो ग्राफ बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पे बेस्ट हो जाता है हमको जो अनवांटेड पार्ट्स हैं जो हम काटेंगे इसमें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है हम ग्राफ देख के काट सकते हैं, हमको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले मैं आपको इसमें से अनवांटेड पार्ट को क्रॉप करके दिखाता हूँ कि कैसे हम किसी चीज़ को काट सकते हैं जो अनवांटेड है, हमको जो चीज़ नहीं चाहिए। तो जैसे यहाँ से ग्राफ में दिख रहा है और उस
तो यहाँ से मैंने जैसे बोलना स्टार्ट किया है, यहाँ मैं इसको कट करूंगा, ये जो ऊपर साइन है इससे भी आप कट कर सकते हो, या जो इस ये जो रेड वाली लाइन है इसको हम प्ले हेड बोलते हैं, तो इसको जहां पे भी आप लागे छोड़ दोगे उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉप का साइन है उससे भी आप क्रॉप कर सकते हो। तो हमने क्रॉप कर दिया है, उसके बाद हमको जो फाइल डिलीट करनी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके डिलीट कर देंगे। और अगर यहाँ से हमको डिलीट नहीं करना है तो हम डिलीट प्रेस भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पे ये अनवांटेड जो फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। उसके अलावा अगर हमको यहाँ पे देखो ग्राफ नहीं मिल रहा है बीच में, तो यहाँ ये भी काटना हो तो हम यहाँ आराम से इसको काट सकते हैं। ये काटा और बीच का जो नहीं चाहिए उसके लिए हमने डिलीट की प्रेस की और यहाँ पे ये जो टाइमलाइन है वो ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब अज्यूम यहाँ पे हमको जो ये कट है उसके ऊपर कोई फोटो डालनी है या फिर ऐसे नॉर्मली हमको फोटो डालनी है, तो ऊपर की तरफ हम फोटो डालते जाएंगे और जितना ये वीडियो लेन है वो बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे आप काटते जाओगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे आके जो फोटो है आपकी उसको आप यहाँ पे लाके छोड़ सकते हो। तो जो फोटो आपने ऊपर की तरफ लाके छोड़ी है, जो चीज ऊपर होगी वो सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाई देगी। अब इसके नीचे जो हमारा जो भी वीडियो है इस फोटो के नीचे वो हमको दिखाई नहीं देगा, जो फाइनल वीडियो बन के आएगी उसमें। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पे ये अंडू का साइन हमको देखने को मिल जाता है। अंडू का मतलब ये होता है कि जो भी हमने कट किया है अगर वो गलती से हो गया तो यहाँ पे हम जैसे ही अंडू को प्रेस करेंगे तो पीछे वाली फाइल वापस आ जाएगी और उसके बाद रीडू जो है उससे वापस चली जाएगी। और यहाँ पे जो है वो डिलीट का साइन है, यहाँ पे कट का साइन है और उसके बाद यहाँ पे हमको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो भी हमारी ये लेन है उसमें हम जो एडिटिंग करेंगे वो यहाँ पे आएगी। तो इसमें जो क्रॉप है, देखिए यहाँ पे ये क्रॉप आ चुका है, तो उसके बाद हमारे पास ये मिल जाता है यहाँ पे क्रॉप का साइन। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे हमारी ये वीडियो की इतनी छोटी सी क्लिप है इसको हमको जूम करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हमको यहाँ क्रॉप के साइन पे जाना है और उसके बाद हमारी वीडियो को क्रॉप कर देना है कि भाई हमको इतनी ही वीडियो चाहिए, पूरी वीडियो नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये एक जूम फेस बन जाएगा, इसको जाके ओके करेंगे तो हमारा ये वीडियो बिल्कुल ऐसे ही चलने वाला है। यहाँ से जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ये जूम होके आ जाएगा। अभी हमको ये नहीं चाहिए तो हम वापस इसको अंडू कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है इसमें स्पीड का, कि बेसिकली यहाँ पे आपको स्पीड स्लो करनी है वीडियो की या फास्ट करनी है। अगर अज्यूम मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कट करूँगा, इस इतनी सी फाइल को हमको बिल्कुल फास्टली मूव करवाना है क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम कुछ बोला नहीं है या फिर कुछ भी सीन हो सकता है, तो हम इसको 8x पे कर देते हैं। अब 8x पे करेंगे तो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि क्या सीन निकल के आएगा। ये भी अपने प्रेजेंट देखो आप, बिल्कुल एकदम जल्दी से निकल चुकी है। तो ये होता है, ऐसे ही हम इसको वापस स्लो में भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल हमारी मर्जी पे डिपेंड है। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पे कलर करेक्शन का। तो जो वीडियो है हमारा उसमें हमको कलर पसंद नहीं आ रहे तो उसमें हम अलग से कलर भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको इस ऑप्शन पे जाना है और जो भी है यहाँ पे हम अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो मतलब ये वार्म कलर है, उसके बाद कूल कलर है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनको इफेक्ट दे सकते हैं अलग अलग। और यहाँ पे हमको मेरे को अलग नहीं करना है तो मैं रिसेट ऑल पे कर दूंगा तो मेरा जो नॉर्मल है वो आ जाएगा। और जैसे मुझे वार्म चाहिए तो मैं वार्म पे जाके क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और देखो यहाँ पे जो फाइल होगी वो मेरी वार्म कलर में निकल के आ जाएगी। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है ग्रीन स्क्रीन का। ग्रीन स्क्रीन बेसिकली क्या होता है, ग्रीन स्क्रीन पे हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा बैकग्राउंड डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमको क्रोमा की देखने को मिलेगी। क्रोमा की ही ग्रीन स्क्रीन होती है बेसिकली। अब इस ग्रीन स्क्रीन को हम रिमूव कर सकते हैं, तो जैसे ही क्रोमा की पे क्लिक किया तो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली हमारी ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पे हम जो भी चलाएंगे वो ग्रीन स्क्रीन रिमूव होने के बाद आएगा। उसके बाद जो अगला लास्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है वो है एडिट का।
एडिट में सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे आपका वीडियो हिल डूल के बना है तो यहाँ पे आप स्टेबलाइजेशन को एनेबल कर सकते हो। जैसे आप स्टेबलाइजेशन को एनेबल करोगे, वीडियो के जो हिलन डुलन है वो सारी बंद हो जाएगी। तो ये काफी कमाल चीज है। और उसके बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेंस करेक्शन का, ड्रॉप शैडो का, ऑटो एनहांस का। ऑटो एनहांस में क्या होता है कि बेसिकली आपका जो वीडियो है थोड़ा सा एनहांस होकर दिखता है। बेसिकली मुझे कभी पसंद नहीं आया, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हो। जो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं इसको नहीं ट्राई करूँगा। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल चीज़ें जो हमने की हैं। उसके बाद मैं ये पूरी टाइमलाइन को क्यों रख रहा हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पे चीज़ें हैं हम उनको समझते हैं, उनसे ही हमारी मेन एडिटिंग होने वाली है। तो सबसे पहले आता है ऑडियो। तो ऑडियो में क्या होता है कि बेसिकली हमारी, चलो वीडियो तो ये बन चुकी है, इसमें हमारी ऑडियो भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा म्यूजिक बजता रहे। तो उसके लिए चलो हमको एग्जांपल के लिए बहुत सारे म्यूजिक हमको यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल जाते हैं। अगर डाउनलोडेड नहीं हो तो उनको हमको डाउनलोड करना है, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा म्यूजिक वाला साइन है उसके हम आगे ला के इसको छोड़ देंगे। तो ये देखो म्यूजिक का जो ग्राफ है वो हमारे वाले ग्राफ से भी ऊपर जा रहा है, तो हमारी वॉइस तो इसमें सुनाई ही नहीं देगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके जो ये म्यूजिक है उसको हम लो कर देंगे। तो देखो ग्राफ घटता जा रहा है। तो जितना हमको चाहिए हम यहाँ से प्ले करके देख लेंगे कि भाई हाँ सही चल रहा है, तो वहाँ पे हम उसको छोड़ देंगे और क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया है ऑडियो का सीन। तो ऑडियो हमने यहाँ पे एडिट कर ली है, चलो हमको हमारी मेन क्लिप यहाँ तक है तो हमको ऑडियो भी यहीं तक चाहिए, तो इसको बाकी को हम कर देंगे डिलीट। उसके बाद टेक्स्ट आता है, हमको टेक्स्ट एडिट करना होता है बहुत बार। तो टेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे, मतलब ढेरों टेक्स्ट मिल जाते हैं हमको। तो हमको टेक्स्ट एडिट करना है, हम टेक्स्ट एडिट कैसे करेंगे, तो हम किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को यहाँ से जाके चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे कि भाई हमको ये वाला एडिटिंग करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लाके छोड़ा। और उसके बाद हमारा मेन जो टेक्स्ट है वो हमको एडिट करना है, तो यहाँ पे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके यहाँ हमको जो भी लिखना होगा, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग हमने यहाँ पे लिख दी है और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके किया जैसे ही, तो उसके बाद जो ये मेन है उस पर हमारी वीडियो एडिटिंग आ जाएगी। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार ये तो हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसको भी हम छोटा कर सकते हैं। तो ये देखो हमने जितना हमारा टेक्स्ट था उसके अकॉर्डिंग ही कर दिया, अब ये हमको देखने को अच्छा लगेगा। तो ये काफी कमाल चीज हो जाती है। उसके बाद हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। अब ट्रांजेक्शन क्या होता है कि हम अपने वीडियो में किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन देना चाहते हैं, जैसे ये वाला हम देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि चलो हमने यहाँ पे ड्रॉप किया इसको और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ये वाला ट्रांजेक्शन इसमें ऐड हो गया। 665 और ये वाला नहीं चाहिए तो हम किसी भी प्रकार का और ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला चाहिए हमको तो ये वाला भी हो गया। ढेरों यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, वो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी वीडियो में आ जाएगा। तो ये काफी कमाल चीज होती है। और उसके बाद इफेक्ट्स भी काफी रोल प्ले करता है आपकी कमाल की वीडियो एडिटिंग में। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे इफेक्ट्स ऐड करेंगे। तो जैसे ही हमारी वीडियो ये नॉर्मल चल रही है तो उसके बाद इफेक्ट ऐड किया हमने यहाँ पे, तो ठीक है यहाँ पे हमने ये इफेक्ट ऐड कर लिया है। तो इस इफेक्ट के जरिए होगा कि हमारी वीडियो वैसे ही बन जाएगी, ठीक है, देखो हमारी वीडियो उस कलर में ही आ रही है। और ये वाला इफेक्ट नहीं चाहिए तो भाई दूसरा डाल लो, उसमें भी आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का इफेक्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई बहुत सारे मतलब इफेक्ट हमको देखने को मिल जाते हैं, जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारी वीडियो में वही इफेक्ट आ जाएगा। तो ये भी काफी कमाल चीज हो गई। और उसके बाद एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं कि एलिमेंट्स 191 एलिमेंट्स इसमें दिखा रहा है कि जैसे हमको वीडियो को लाइक करवाना है तो यहाँ पे हम लाएंगे इसको, ड्रॉप करेंगे तो ठीक है ये हमारा वीडियो में आ गया। तो ये लेकिन काफी बड़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे जाके डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद हमको रिसाइज जितना चाहिए, जितनी साइज में चाहिए हम उसको लाके छोड़ सकते हैं उतनी ही साइज में, और जहाँ चाहिए वहां छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही हम वीडियो का हम नॉर्मली प्ले करेंगे तो ये हमारा आराम से आ जाएगा यहाँ। तो उसके बाद यही नहीं, लाइक शेयर सब कुछ यहाँ पे, ग्राफ वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है स्प्लिट स्क्रीन का। तो बेसिकली कई बार आपने देखा होगा कि काफी कमाल की जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उनमें क्या होता है कि दो दो तीन तीन स्क्रीन वो साथ में ले आते हैं और हमको साला समझ ही नहीं आता कि ये दो दो तीन तीन स्क्रीन कैसे काम कर रही है। तो उसके लिए हमको क्या कराना है,
कि बेसिकली यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखो तीन स्क्रीन चालू हो गई। उसको हम यहाँ से एडिटिंग करने के लिए कौन सी स्क्रीन पे हमें क्या चाहिए, एडवांस ऑप्शन पे चले जाएंगे और एडवांस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होके आएगी कि कौन सी स्क्रीन पे आपको क्या चाहिए। तो मेरे को पहली स्क्रीन पे मान लो ये वाली जो फुटेज है ये चाहिए मुझे, उसके बाद ये वाली जो फुटेज है वो मुझे इस सेकंड स्क्रीन पे चाहिए और ये वाली जो फुटेज है वो मुझे इस थर्ड वाली स्क्रीन पे चाहिए। तो चलो तीनों स्क्रीन ऐड हो गई। अब जैसे ही हम इसको ओके करेंगे उसके बाद यहाँ से हम प्ले करके देखते हैं तो जो हमारी स्क्रीन और उसके तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी तीन स्क्रीन आ चुकी हैं और कैसे कमाल का ये इफेक्ट लग रहा है, तीनों स्क्रीन साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी और ऐसे ही ये हमारा वीडियो काफी कमाल बन जाएगा। और उसके बाद जो एक मेन चीज रह गई वो ये है कि यहाँ पे हमने जो एडिटिंग की है कट कर दिया बेसिकली हमने यहाँ पे, तो हम ऐसे ही इसको रख देंगे तो भाई ये थोड़ा सा भद्दा सा लगेगा कि यहाँ पे वीडियो इसने कट किया है, रिटेक लिया है। तो बेसिकली हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम ट्रांजेक्शन इफेक्ट इसमें ऐड कर देंगे। तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट के चलते क्या होगा कि यहाँ पे चलो ट्रांजेक्शन इफेक्ट ही आ गया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड किया, इसको प्ले करेंगे तो देखते हैं क्या सीन रहता है। तो देखा आपने जैसे ही दूसरी स्क्रीन आएगी तो वो ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं यहाँ पे। तो ये हमारा वीडियो एडिटिंग इतना सिंपल है। उसके बाद जो मेन चीज रह जाती है वो यहाँ पे है, ये वीडियो हमारा एडिट हो चुका है ठीक है, इसके बाद इसको हमको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट के हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारी फाइल का जो भी नाम होगा, जैसे हमको वीडियो एडिटिंग देना है तो वीडियो एडिटिंग यहाँ से हम दे देंगे। उसके बाद कहाँ पे इसको सेव करना है तो उसके लिए भी हम लोकेशन अपनी चूज कर सकते हैं। तो हमको कहाँ पे डेस्कटॉप सेव करना है, वीडियो पे सेव करना है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है मैंने वही रखा है। उसके बाद यहाँ पे आती है सेटिंग, ये यहाँ पे मेन काम करेगी कि आपका वीडियो कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, किस साइज में बनेगा, कितनी क्वालिटी में बनेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे, पहले हम फॉर्मेट्स को देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट पे हमको करना है। तो मैं बेसिकली जो वीडियो रेंडर करता हूँ वो MKV में करता हूँ, MKV सबसे बेस्ट रहता है, बाकी आप MP4 में भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। उसके अलावा आप सेटिंग पे जाओगे उसके बाद और हमको क्वालिटी हम बेस्ट पे चूज कर लेंगे। उसके बाद एनकोडर वगैरह जो है उनको वहीं रहने देना है। रेजुलेशन यहाँ पे मेन इफेक्ट करता है कि आपको HD में चाहिए, फुल HD में चाहिए। HD में चाहिए तो आप ये वाला 720p सेलेक्ट कर लो, फुल HD पे चाहिए आपको यहाँ पे 1080p पे करना है। और उसके बाद आपको फाइल चाहिए 4K में तो यहाँ पे 4K भी सपोर्ट करता है, तो हम यहाँ पे फुल HD कर लेंगे, हमको 4K नहीं चाहिए भाई। अब यहाँ पे बिटरेट का मेन ऑप्शन आपसे देखने को मिलता है। बिटरेट जो ये चीज होती है वही आपकी फाइल को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। बिटरेट बेसिकली होती क्या है कि आपकी जो फाइल होगी वो कितनी स्पेस घेरेगी। तो एग्जांपल के लिए हमारी जो फाइल है वो है फुल HD की, तो फुल HD में हमको ओनली 30,000 जो KBPS है वो सबसे बेस्ट रहती है। तो जैसे ही हम इसको 1,00,000-1.5 लाख कर लेंगे तो हमारी फाइल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो 30,000 में है वो हमारी फाइल का साइज रहेगा यहाँ पे 101 MB ठीक है। और उसके बाद चलो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे 1.5 लाख कर लिया, 1,50,000 ओके किया। ओके करते आप देखोगे इसी साइज का साइज जो है वो 5 गुना हो गया है। तो आपको जो क्वालिटी होगी वो 30,000 में भी सेम ही देखने को मिलेगी और आपको 1.5 लाख में भी सेम ही देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे 30,000 सेलेक्ट कर लेते हैं अगर आप फुल HD में सेलेक्ट कर रहे हो तो, और उसके बाद अगर आप 4K में सेलेक्ट कर रहे हो तो आप 80,000 भी कर सकते हो या फिर कस्टम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 30,000 हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद ऑडियो वगैरह को मैक्सिमम पे कर दो क्योंकि उसमें कोई खास फर्क पड़ता है नहीं, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे कर दो क्लिक। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे वीडियो आपका एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा और ये झटाक से एक्सपोर्ट होके आपके सामने जो फाइनल साइज होगा वो आपको निकाल के दे देगा। और यहाँ से आप सीधा YouTube पे भी इसको डाल सकते हो, तो ये भी काफी कमाल की चीज है। तो देखा आपने कितना इजी था ये करना, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनको ऐड करना है और इनके थ्रू जो आउटपुट निकल के आएगा वो बहुत ही बेहतरीन और काफी शानदार क्वालिटी का होगा। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो मतलब कोई चांस ही नहीं बनता कि आप सब्सक्राइब ना करके जाओ। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इसी के साथ कर दो बेल आइकन को प्रेस, और अगर आपको वीडियो आया हो पसंद तो लाइक और शेयर कर दो, फैला दो चारों तरफ दुनिया जहान में। और उसके बाद एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।